अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ने ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे क्रोशे के बेड शीट्स के डिज़ाइन। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बेड शीट्स के डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में उनके बेल आइकन को प्रेस और ऑल के ऑप्शन पर भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हम डेली की रूटीन पर अपलोड करते हैं। व्यूअर्स, हम ढेर सारे डिज़ाइन अपलोड करते हैं क्रोशे के बेड शीट के, एम्ब्रॉयडरी बेड शीट के, उनके ऊपर डेकोरेशन हुई हुई होती हैं, जैसे कि फ्लावर डेकोरेशन हुई हुई होती हैं और भी बहुत अच्छी अच्छी हुई हुई होती हैं। आप लोग बेड शीट को भी कलर कंट्रास्टिंग में यूज़ कर सकती हैं। आप मतलब एक कोई कलर की बेड शीट बना सकती हैं, कोई कलर की बेड शीट बना सकती हैं, आपकी पसंद है कि आप लोग किस तरह की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये वाला क्रोशे का मैट भी, रॉक भी, कितना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप ज़रूर बनाइएगा अपने लिए भी ये डिज़ाइन। एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बनाना चाहती हैं आप लोग, एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन बना लीजिएगा। सिंपल और कोई डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आप और कोई डिज़ाइन बना लीजिएगा। ये आपकी पसंद है कि आप किस तरह के डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। मेरे दुआ में हमेशा याद रखेगा, मेरे लिए दुआएं करते रहा करें, जाने कब किसकी ज़बान से किसके लिए कौन सी दुआ कबूल मंजूर हो जाए। और अगर आप ऐसे स्केयर्स बनाकर उनको आपस में अटैच करना चाहती हैं, चाहे वो फैब्रिक की मदद से बनाना चाहती हैं, क्रोशिया वर्क की मदद से बनाना चाहती हैं, अगर आप ऐसे अटैच कर देंगे तो आपका एक फैब्रिक बन जाएगा और जिसकी मदद से आप लोग इतनी अच्छी अच्छी बेड शीट, कर्टन्स, पिलो कवर और जो कुछ आप बनाना चाहती हैं आप वो बना सकेंगी। टेक केयर व्यूअर, दुआ में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी फरमाइश का इजहार किया होगा, बताया होगा नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पे किस तरह की चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक होगी यकीन है। ओके व्यूअर्स, इस वीडियो को आप लोगों ने बिना स्किप किए देखा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।